हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो लेकर आऊ ये जो विनाइल फ्लोरिंग आप देख रहे हैं इसके इंस्टॉलेशन की। तो सूरज भान जी होंगे जो पूरा इंस्टॉलेशन आपको करके दिखाएंगे। बहुत पुराने एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत पुराने इंस्टॉलर है, काफी लंबे समय से ये विनाइल फ्लोरिंग का कारपेट का इंस्टॉलेशन करते आ रहे हैं। तो आप विनाइल फ्लोरिंग रोल वाली, पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग रोल वाली, इसके इंस्टॉलेशन को डीपली और अच्छे से समझने के लिए बने रहिए आज की वीडियो में एंड तक। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ ये रूम जिसके अंदर काफी पहले हमने विनाइल फ्लोरिंग लगाई थी, जो कि हमने काफी ज्यादा उसको यूज किया और वो घिस चुकी है जगह जगह से, आप देख सकते हैं कितनी उसके। और हमने डार्क कलर लगाया था जो कि जो है काफी ज्यादा गंदा भी दिखता था। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे विनाइल फ्लोरिंग जो रोल वाली होती है वो किस तरह से लगाई जाती है, और इस फ्लोरिंग को हटाने के बाद उसके बाद पूरी फ्लोरिंग चेंज की जाएगी। तो पूरा इंस्टॉलेशन समझने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा और सारी डिटेल में आपके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पुरानी विनाइल फ्लोर है वो हटाई जा रही है, आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जो पुरानी फ्लोरिंग है वो हटाई जा रही है, इजीली हट जाएगी। इसको सिंपली निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो आप देखिएगा आप ये देख सकते हैं रूम पूरा खाली हो चुका है। तो विनाइल फ्लोरिंग लगाने से पहले सबसे पहले रूम को साफ कर लें, जो भी उसमें अनइवन चीज़ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल लगी हुई थी वो हटा ली है, यहाँ पे भी टेबल थी वो भी हटा ली है, और रूम को साफ कर लें अच्छे से। विनाइल फ्लोरिंग को लगाते समय एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जिस भी फ्लोर पे आप लगा रहे हैं वो स्मूथ होना चाहिए, वो सीमेंटेड, ये आप देख सकते हैं ये सीमेंटेड फ्लोर है, सीमेंट का स्मूथ फ्लोर है, तो वो सीमेंटेड फ्लोर हो, टाइल्स हो पुरानी घिसी हुई हो, या उसमें पुराना जो दाने वाला फर्श होता है वो हो, तो किसी भी तरह के फ्लोर पर इसको लगाया जा सकता है, बस वो स्मूथ हो, टूटा हुआ ना हो, उसमें किसी तरह के गड्ढे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो ये आप देखिए अभी रूम कैसा दिख रहा है, और जैसे ही इसमें विनाइल फ्लोरिंग लगाई जाएगी, लगने के बाद ये कैसा हो जाएगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइसिंग भी बताऊंगा। और इसके अंदर हम 1 mm थिकनेस का, 1 mm थिकनेस की विनाइल फ्लोरिंग लगाएंगे, और बने रहिए वीडियो में। बाकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए कि विनाइल फ्लोरिंग के बारे में कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जो रोल वाली विनाइल फ्लोरिंग है उसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, उसके लगाने से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा टाइमली उसको रिप्लाई दूं आपकी क्वेश्चंस का किसी भी तरह के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रूम को नापा जा रहा है कि पीस को किस हिसाब से डाले जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं अधिकतर जो रूम में पीस डाले जाते हैं, तो जैसे एंट्रेंस होती है, ये रूम की एंट्रेंस है, तो उसी सीक्वेंस में डाले जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये इसी तरह से लंबे पीस डाले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये रोल जो है रख लिया है, और ये जो रोल है ये 6.5 फिट चौड़ाई वाला है, तो 6.5 फिट इसकी चौड़ाई है, और ये 1 mm थिकनेस में है। तो आप देखिए पूरा इंस्टॉलेशन कैसे लगाया जाएगा इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्लोरिंग का जो है रोल रूम के अंदर खोल लिया गया है, और इसके बैक साइड पे अब, तो फ्रेंड्स अब जो है इसके पीस काटे जाएंगे उसी हिसाब से, रूम के साइज के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हैं
जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से पीस डाला जाएगा, तो इसकी जो है लंबाई के हिसाब से पीस काट लिए जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि कितना 92 इंच इसकी लंबाई है, तो 92 इंच का ही पीस काटा जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं 92 इंच का पीस को काट लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये निशान लगा दिया है। और जब भी आप देख सकते हैं, और नॉर्मली आप लोग खुद भी इस तरह का विनाइल फ्लोरिंग इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा अगर आपके नियर बाय कोई अच्छा इंस्टॉलर है, एक्सपर्ट बंदा है, तो आप उसी से इंस्टॉल कराएं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई इंस्टॉल अपने आप करता है तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप ये देख सकते हैं सीधी पट्टी, कोई भी सीधी चीज़ रख के आप उससे जो है, ये आप देख सकते हैं जो ब्लेड होता है इस तरह का पेपर कटर ब्लेड, उससे इजीली कट जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लेड है, इस ब्लेड से इजीली कट जाएगा। ये देखिए, ये एक पीस निकाल लिया गया है, अब एक पीस और काटा जाएगा। ये आप देख सकते हैं दो पीस प्रॉपर काट लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं जो फेविकॉल SR505 इजीली मार्केट में मिल जाता है, उससे इसको लगाया जाएगा। किसी भी हार्डवेयर शॉप पे आप इस तरह के फेविकॉल SR505 को खरीद सकते हैं, और इससे अपने फ्लोरिंग के प्रोडक्ट्स को, विनाइल फ्लोरिंग आपकी प्लैंक वाली फ्लोरिंग हो, रोल वाली फ्लोरिंग हो, उसको लगवा सकते हैं या लगा भी सकते हैं। तो आइए ये देखिए, तो ये कितनी SR की ज़रूरत होगी, अगर हमें ये हमारा अगर 100 स्क्वायर फिट का एरिया है तो हमें कितने लीटर SR की ज़रूरत होगी। तो हम मान के चले करीब करीब 1.5 लीटर SR की ज़रूरत होगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो आइए, ये ढक्कन को खोल लिया गया है। अब फ्लोरिंग के ऊपर, जो ये फ्लोरिंग है उसके बैक साइड के ऊपर जो फेविकॉल SR है वो लगाया जाएगा। तो लगाने के लिए एक ये देखिए ब्रश है और ये पत्ती है, इसी के जरिए लगाया जाएगा। और लगाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, एक तो जब भी विनाइल फ्लोरिंग लग रही है रूम के अंदर, जब भी आप लगवा रहे हैं या खुद लगा रहे हैं, तो उस टाइम कोई भी फायर का, आग का काम ना हो रूम के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं जो कॉर्नर है वहाँ ब्रश से लगाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं ब्रश के जरिए इससे पूरे कॉर्नर पे SR लगाया जा रहा है। तो एक तो आग का काम ना हो, कोई भी फायर का काम ना हो जब भी आप विनाइल फ्लोरिंग लगवाएं उस रूम के अंदर, और दूसरा छोटे बच्चे भी ना आए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है जो कि हार्मफुल हो सकती है छोटे बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए भी थोड़ा सा प्रिकॉशन ध्यान रखें। और जब भी इंस्टॉल कराएं तो रूम अगर वेंटिलेटेड है तो उसके रूम के दरवाजे खुले रखें, जिससे थोड़ा हवा पास हो जाए और जो उसका स्मेल है वो कम से कम रहे रूम के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं ये फेविकॉल लगाया जा रहा है। जो पत्ती आती है, मेटल की स्ट्रिप आती है, किसी भी पेंट शॉप पे मिल जाती है, उससे लगाया जा रहा है। और जो ये लगाने का तरीका आप देख रहे हैं, इस तरीके से ही लगाया जाता है विनाइल फ्लोर। इससे प्रॉपर अच्छे से पूरा जो विनाइल, जो SR है, जो ग्लू है, वो अच्छे से पूरे विनाइल के ऊपर अच्छे से लग पाता है। लगाने को तो ब्रश से भी लगा सकते हैं पूरे पे, लेकिन उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और इतने अच्छे से लग भी नहीं पाएगा, और बहुत सी जगह ज़्यादा ग्लू लग जाएगा, बहुत सी जगह ज़्यादा SR लग जाएगा, और बहुत सी जगह कम लग पाएगा। तो आप देखिए ये एक पीस के ऊपर SR लगा लिया गया करीब करीब। थोड़ा
फैन चला दिया जिससे एहसास सूख जाएगा। और आप ये देख सकते हैं इस पीस को राउंड में बनाया जा रहा है, एहसास लगाने के बाद राउंड बनाया जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से, ऐसा नहीं है कि ये चिपक जाएगा एकदम से इस तरह से राउंड बनाने पे, क्योंकि अगर हल्का हल्का एहसास सही से लगाया है तो ये चिपकेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपस में पेस्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पहले पीस पे एहसास बना के और राउंड बना के इस पीस को रख लिया गया है टेबल के ऊपर। अब अगले पीस पे लगाया जाएगा। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं पीस के ऊपर एहसास लगाने के बाद अब फ्लोर के ऊपर एहसास लगाया जा रहा है। तो उसी तरीके से कॉर्नर पे ब्रश से लगाया जाएगा और जो फ्लोर है उस पर पट्टी से रगड़ के लगाया जाएगा। वही तरीका है एहसास को लगाने का। तो आप ये देख सकते हैं छोटे वाला ब्रश है जिससे कॉर्नर पे एहसास लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरे के ऊपर जो भी फ्लोर है उसके ऊपर एहसास लगा लिया गया है और अब जो पीस राउंड बना के रखा हुआ था उसको फैलाया जा रहा है, उसको लगाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, लगाओ। तो आप देख सकते हैं उस पीस को खोला जा रहा है, ये जो पीस है जो राउंड बना के एहसास लगा के रखा हुआ था उसको फैला के रूम के अंदर बैठाया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं लाइट कलर का डिजाइन लगाया है और डार्क कलर में एक समस्या ये होती है कि वो गंदा बहुत जल्दी होता है। तो आप ये देख सकते हैं बैठाया जा रहा है, अभी खोला जा रहा है पीस को। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा, एयर बबल ना रहे, हवा का बबल्स ना रहे जब विनाइल फ्लोरिंग लगाया जाए। तो आप ये देख सकते हैं तो अब पीस को बैठाने के बाद आप ये देख सकते हैं ये प्रेस करके अब इसकी हवा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस कटिंग का एरिया है, तो यहाँ पे ये इस तरह से काट दिया गया है और इसको भी बैठा दिया गया है। ये पूरे पीस को हवा निकाल दी गई है। तो अभी ये देख सकते हैं
ये आप देख सकते हैं जो स्कर्टिंग के ऊपर हल्का सा चढ़ा हुआ है वो हटा दिया गया पीस और स्कर्टिंग अलग से लगाई जाएगी। तो अब ये देख सकते हैं एक पीस लगा दिया गया है, अब इधर ये दूसरा पीस लगाया जाएगा, उसी हिसाब से पीस को नाप के और पीस को लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला पीस भी छोटा कर लिया गया है और अब उस पीस को भी लगाया जाएगा। ओवरलैप करके एक के ऊपर एक चढ़ा के लगाया जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं अगले पीस को एक के ऊपर एक ओवरलैप करके चढ़ा के लगाया जा रहा है और उसके बाद इसकी कटिंग की जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं पीस को ओवरलैप करके थोड़ा सा चढ़ा दिया है इस वाले विनाइल फ्लोरिंग के पीस के और उस वाले पीस को एक दूसरे पे चढ़ा के लगा दिया गया है और अब इसको भी सही से बैठा लिया जाएगा और हवा निकाल दी जाएगी। तो अब ये आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जॉइंट है अभी ओवरलैप है और इसको ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ऊपर चढ़ा हुआ है। और अब इसका जो ये जॉइंट है जो ये ओवरलैप किया है उसकी कटिंग की जाएगी। तो ये कोई भी सीधी चीज़ तो ये सीधा इनके पास पट्टी है जिससे रख के और ये पीस की कटिंग की जाएगी और ब्लेड को इतनी टाइटली कस के काटा जाएगा, दबा के काटा जाएगा कि जो ऊपर और नीचे वाले दोनों पीस हैं कि दोनों ही कट जाएं। ये आप देख सकते हैं इतनी कस के काटा जा रहा है कि ऊपर और नीचे वाले दोनों ही पीस कट जाएंगे। ऊपर वाला तुरंत के तुरंत हटा दिया गया है तो आप ये देख सकते हैं काट दिया हटा दिया गया है। अब नीचे का पीस भी निकाल दिया जाएगा इसका, ये आप देख सकते हैं हटा के और नीचे का पीस भी है और फिर इसको बैठाया जा रहा है जॉइंट को। इंस्टॉल करने का सही तरीका यही है, ये आप देख सकते हैं ये जो है हटा दिया जाएगा और अब देखिए पीछे का पीस भी निकाल के और ये अच्छे से बैठा दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा जॉइंट अच्छे से बैठाने के बाद ये आप देख सकते हैं पूरा जो फ्लोर का एरिया है ये इधर का
ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है। अभी स्कर्टिंग लगाई जाएगी और ये इधर का एरिया, ये थोड़ा सा एरिया लगाया जाए, ये आप देख सकते हैं इधर का एरिया, ये थोड़ा खींच। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं सूरज भान जी स्कर्टिंग की साइज नाप रहे हैं, कैसे तो नॉर्मली 4 इंच की होती है लेकिन बहुत सी स्कर्टिंग थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसी हिसाब से स्कर्टिंग को नाप के और स्कर्टिंग के हिसाब से ही जो विनाइल फ्लोरिंग है वो काटा जाएगा और उसको लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो ये विनाइल फ्लोरिंग है उसमें से ही अब निशान लगाया जा रहा है और स्कर्टिंग की चौड़ाई के हिसाब से ही जितनी स्कर्टिंग है उसी हिसाब से पीस को काटा जाएगा। अब ये देख सकते हैं निशान लगा के पीस को काटा जा रहा है, ये देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो स्कर्टिंग का एरिया उसके ऊपर एसआर लगाया जा रहा है और पीस काट ही लिए गए हैं और फिर स्कर्टिंग लगा दी जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं फ्लोर कैसा लग रहा है, स्कर्टिंग लगने के बाद आपको दोबारा मैं एक फ्रेश लुक दिखाऊंगा। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं पहला पीस लगाया जा रहा है स्कर्टिंग का। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं जो स्कर्टिंग है वो लगाई जा रही है और जो स्कर्टिंग का साइज था उसी साइज के हिसाब से इस स्कर्टिंग को काटा गया है और जो आप ये देख सकते हैं उसी हिसाब से इसको चिपकाया जा रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हैं हथौड़े से और कहीं वो है तो प्रेस किया जा रहा है हाथ से प्रेस करके, क्योंकि दोनों ही सरफेस पे एसआर लगा हुआ है तो इसलिए ये इजीली चिपक जाएगी। तो ये जो है इसी तरीके से पूरी स्कर्टिंग को चारों तरफ लगा दिया जाएगा और ये पूरी फ्लोरिंग इंस्टॉल हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह इंस्टॉल हो चुकी है, तो आप ये देख सकते हैं लगने के बाद कैसी लग रही है, पहले फ़र्श कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो आइए अब जानते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो ये क्या प्राइस में पूरी इंस्टॉल हुई। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा सूरज भान जी ने पूरा इंस्टॉलेशन आपको अच्छे से करके दिखाया, तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि विनाइल फ्लोरिंग का जो रोल वाली होती है उसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। बाकी फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कि इस तरह की विनाइल फ्लोरिंग अगर आप कराते हैं तो नॉर्मली मार्केट में क्या प्राइस में आप करा सकते हैं या मिल जाती है। तो ये जो हमने विनाइल फ्लोरिंग लगाई, ये लगाई हमने 1 mm थिकनेस की, तो आप ये देख सकते हैं 1 mm थिकनेस के डिजाइन। तो 1 mm थिकनेस की ये जो मार्केट में सेल आउट होती है, लगा के इंस्टॉल करके देते हैं, वो 45 rupees पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसको इंस्टॉल करा करके लोग सेल आउट करते हैं। तो बाकी जो है बात करें कि ये जो हमारा रूम था वो क्या साइज था, तो हमारे जो रूम का एरिया था वो 100 square feet था, स्कर्टिंग वगैरह सारी चीजें लेने के बाद, एरिया कैलकुलेट करने के बाद। तो हमारा जो ये रूम कंप्लीट हुआ पूरा रूम इंस्टॉलेशन के साथ, ये टोटल कॉस्ट 4500 में इंस्टॉल हुआ। तो बाकी बाकी विनाइल फ्लोर अलग अलग थिकनेस में आती है, इससे कम प्राइस में आप चाहते हैं तो पतली वाली आती है, आप ये देख सकते हैं ये पतली है, उससे भी पतली है, और इससे मोटी चाहते हैं तो और भी मोटाई में आती है, अलग अलग थिकनेस में आती है, और विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक में भी आती है, आप ये देख सकते हैं विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक। तो इस तरह की भी विनाइल फ्लोरिंग आती है जो कि 1.5 mm थिकनेस में है, 2 mm में भी आती है। तो जैसा आप चाहे उसी हिसाब से प्राइसिंग अप डाउन होता रहता है। बाकी ये जो विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक है, ये आप कराना चाहते हैं तो इसकी मैंने वीडियो ऊपर डाली हुई है, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, तो ये इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो भी आप देख सकते हैं और जो है इसका भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं कि अगर आप कराना चाहते हैं तो आप कहां से करा सकते हैं, तो बेसिकली मैं यही एडवाइस करूंगा आप अपने नियर बाय किसी भी अच्छे इंटीरियर शॉप से कराएं। बाकी जो प्लैंक वाली फ्लोरिंग है, विनाइल प्लैंक वाली, ये वाली फ्लोरिंग जो है, इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इस तरह की विनाइल फ्लोरिंग प्लैंक इंस्टॉलेशन खरीद सकते हैं और अपने आप लगा भी सकते हैं और किसी इंस्टॉलर को बुला के लगवा भी सकते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। बाकी ऐसी ही होम डेकोरेशन के अलग अलग प्रोडक्ट्स की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और लगता है आपके काम की, आपके किसी जानकार के काम की, तो ये वीडियो ने शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, ठीक है।